हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मीत। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिसमें दो अलग अलग डिपार्टमेंट के अपडेट आ चुके हैं। वन बाय वन दोनों का डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो। जॉब लोकेशन भी आपकी अक्रॉस इंडिया ही रहने वाली है। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सारा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर से देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा काफ़ी सारे और भी डिपार्टमेंट हैं जिसकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन सिटी या डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे रिक्रूटमेंट की, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग बताया दो अलग अलग डिपार्टमेंट के अपडेट आए हुए हैं। एक प्राइवेट डिपार्टमेंट है, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। परमानेंट आपकी ये जॉब रहने वाली है और आपकी इसमें फिक्स सैलरी रहने वाली है, प्लस इंसेंटिव अलग से आपको इसमें पे किए जा रहे हैं। सो आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप इस फर्स्ट अपडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं, आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बात करें हम फर्स्ट अपडेट की, ये जो फर्स्ट अपडेट है ये आउट किया गया है HDFC बैंक की तरफ से। आज ही बिल्कुल फ्रेश ये अपडेट आया हुआ है। वैकेंसीज की अगर बात करें, जिस टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ, आप देख पा रहे हैं वैकेंसीज जो है 10,200 प्लस रिलीज की गई हैं। इसके बाद बढ़ भी सकती है वैकेंसी जब आप देखो वीडियो। उसके बाद बात करें जॉब लोकेशन की, अक्रॉस इंडिया रहने वाले हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। कोई एज की बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से, अलग अलग आपके लिए वैकेंसीज आई जो आउट की गई हैं। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें वैकेंसीज कौन कौन सी आउट की गई हैं। तो इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है पर्सनल बैंकर के लिए है, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए है, कस्टमर सर्विसेज डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रिलेशनशिप मैनेजर RRB के लिए आउट हुई हैं। उसके बाद रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स के लिए हैं, एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज आउट की गई हैं। उसके बाद प्रोसेस एग्जीक्यूटिव की है, रिस्क मैनेजर की है, RM सर्विसेज के लिए हैं। नेक्स्ट बात करें सेल्स मैनेजर की है, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आउट की गई हैं, ट्रेड सेल्स मैनेजर की वैकेंसीज भी हैं। उसके बाद सेल्स मैनेजर सेल्स के लिए है, वैकेंसीज अलग है, फाइनेंस के लिए अलग है, रिकवरी डिपार्टमेंट के लिए अलग वैकेंसीज है जो आउट की गई है। इसी के साथ फॉरेक्स सेल्स मैनेजर की वैकेंसीज भी है जो आउट की गई है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें एरिया कलेक्शन मैनेजर की है, कलेक्शन एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसीज है, आउटरीच मैनेजर की वैकेंसीज हैं, ब्रांच सेल्स मैनेजर की हैं, ऑथराइजर की है, एरिया सेल्स मैनेजर की वैकेंसीज हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे और वैकेंसीज हैं जो HDFC बैंक की तरफ से रिलीज़ की गई हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत सारे कैंडिडेट आप में से इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अब बात आती है इसमें एप्लीकेशन फ़ी की। फ़ी आपको यहाँ कोई भी पे नहीं करनी होती है। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए आपको अप्लाई करना रहता है। HDFC बैंक कभी भी आपको नहीं बोलता है कि आपको किसी जॉब के लिए कुछ भी फ़ी आपको पे करनी है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट इस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। अब बात आती है इस अपडेट के लिए आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। उसके लिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलती हूँ, वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी एंड अदर इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको HDFC बैंक का लिंक प्रोवाइड किया, आप उस पर क्लिक करेंगे, ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई है वो आउट की गई है। थोड़ा स्क्रोल करेंगे आप, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट में रिक्वायर्ड लिंक, ये पहला लिंक अप्लाई ऑनलाइन का है, ये नोटिफिकेशन का है, बट सेम पेज ही ओपन होगा। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ 10,200 जॉब्स यहाँ पर आउट की गई है। यहाँ पे सपोज दैट आपने फर्स्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए अलग वैकेंसीज है, एक्सपीरियंस्ड के लिए अलग वैकेंसीज आउट की गई हैं। तो काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ चुकी है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं, कोई किसी भी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक किया, मेरे पास पेज जो ओपन हो रहा है यहाँ पे, या तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर सकती हूँ अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाकर, सिंपली लॉगिन हो जाएगा,
या आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है और रीसेट कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें, यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हैं न्यू यूज़र की, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है, देन आपको अपनी प्रोफाइल का रिव्यू करना है, उसके बाद कंप्लीट पे आप क्लिक करेंगे। जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा वो आपको सारी फिल करनी है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, सक्सेसफुली आपका इसके लिए अप्लाई हो जाएगा। सो जिस स्टेप को मैंने आपको बताया, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपको HDFC बैंक के लिए अप्लाई करना है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि SBI PO, SBI क्लर्क, IPS PO, IPS क्लर्क एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो अनअकैडमी पर स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेपरेशन करवाई जा रही है। कोई लैंग्वेज का बैरियर नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में कम्फर्टेबल है, आप अपनी तैयारी कर सकती हैं। आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं अगर आप इनका प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। एक तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तानिया TANYA। लिंक मैंने आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दी है, इवन जो कोड है वो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप कोड यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो अदर बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। आप एजुकेटर के साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकती हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आपको उसका लाइव रेजोल्यूशन मिलेगा, और भी काफ़ी सारे बेनिफिट आपको इसमें दिए जा रहे हैं। आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके ज़रूर से आप एनरोल करें ना। बाकी हर अल्टरनेट संडे इनका बैंक कॉम्बैट रहता है, बिल्कुल फ्री में रहता है, मॉर्निंग में 10 बजे, उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हैं और एक्साइटिंग प्राइजेज आप वहाँ पर जीत सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक के आप इसी एग्ज़ाम्स को अगर टारगेट करें तभी आप इसके लिए ज्वाइन करना, आप किसी भी अदर एग्ज़ाम को भी टारगेट कर रहे हैं ना, तो आप ज़रूर से इन क्लासेस के लिए ज्वाइन करना, आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम किस लेवल का आता है। सारी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी। अब हम बात करते हैं सेकंड जॉब अपडेट के बारे में, जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं। ये ऐसा अपडेट है जिसमें हर कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं और हमेशा वेट करते हैं, तो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें 29/2021 है, तो आप देख पा रहे हैं 2021 का 29th एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो रिलीज़ किया जा चुका है। इसके लिए भी मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट इसके लिए बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी की, तो इसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ी है जनरल OBC के लिए 500 रहने वाली है, SC ST के लिए 400 रहने वाली है। ये आपको ऑनलाइन पे करनी है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके लिए लिंक जो एक्टिवेट हो रहा है 3 दिसंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की डिस्क्राइब नहीं की गई है, और इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा जो कि आपका दिसंबर 2021 या फिर जैन 2022 में होने वाला है। ये जो अपडेट है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आउट किया गया है मेल फीमेल दोनों के लिए। आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें वैकेंसीज कौन कौन सी आउट की गई हैं। इसमें 2 से 3 टाइप की वैकेंसीज जो आउट की गई हैं। सबसे फर्स्ट जो पोस्ट है कांस्टेबल जनरल टेली कम्युनिकेशन के लिए आउट की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आउट की गई हैं। एज लिमिट आपको अपने अकॉर्डिंगली चेक करनी है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी अलग अलग कैटेगरी है जिसमें इन्होंने डिवाइड कर रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की, तो जो कांस्टेबल की वैकेंसीज है डिस्ट्रिक्ट पुलिस एंड टेली कम्युनिकेशन के लिए, इसके लिए सीनियर सेकेंडरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और इसी के साथ अगर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि कांस्टेबल RAC MBC के लिए वैकेंसीज हैं। इसके लिए 10th पास एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें इसमें वैकेंसीज की, तो 4400 प्लस वैकेंसीज आउट की गई हैं, जिसमें कांस्टेबल जनरल के लिए 3536 हैं। उसके बाद कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन के लिए 154 आउट हुई है। कांस्टेबल ड्राइवर जनरल एरिया के लिए 68 हैं। कांस्टेबल जनरल नॉन TSP के लिए 626 आउट की गई है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 32 है। कांस्टेबल TSP के लिए 23 वैकेंसीज है जो इसके लिए आउट की गई है। काफ़ी टाइम है आपके पास, आप अच्छे से नोटिफिकेशन को पहले रीड करना। अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, अप्लाई आपको ज़रूर करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा 10 नवंबर को आने वाला है, और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 3 दिसंबर से। तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशन अच्छे से आपको ज़रूर से जाकर रीड कर लेना, और आपको इसके लिए रेडी रहना है, क्योंकि आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट में 10th-12th पास की वैकेंसीज बहुत ही कम आ रही है, खासतौर पर फ्रेशर्स कैंडिडेट की। और ये जो वैकेंसीज है इसके लिए ऑल इंडिया
कैंडिडेट एलिजिबल है, इसलिए मैंने इस वीडियो को इसी वीडियो में कंसीडर किया है। तो आपको इसके लिए चेक करके अप्लाई ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको HDFC बैंक का मिलेगा, सेकेंड आपको पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसके लिए एलिजिबल है अप्लाई आपको जाकर अभी कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। इस रिक्रूटमेंट के अलावा और भी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज आ चुकी हैं, हमारी ऑफिशियल साइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।